Business News is brought to you by Winner Institute. नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजनेस न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। अदानी पावर का तिमाही मुनाफा 9 गुना बढ़ा, मुनाफा बढ़कर 6,594 करोड़। उबर ओला पोर्टल में सबसे कमजोर वर्किंग कंडीशन, कामकाज में करती है फेयर वर्क स्टैंडर्ड का सबसे कम पालन। डिजिटल प्लेटफॉर्म की वर्किंग कंडीशन के मामले में उबर ओला और पोर्टर सबसे कमजोर कंपनियां साबित हुई हैं। ये कामकाज में फेयर वर्क स्टैंडर्ड का सबसे कम पालन करती है। दूसरी तरफ सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट और अर्बन कंपनी ने मिनिमम वेज पॉलिसी सुनिश्चित की है। IIT बेंगलुरु के सेंटर फॉर IT एंड पब्लिक पॉलिसी सिटा की एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक उबर और डिलीवरी प्लेटफॉर्म इंजो का स्कोर 10 में से सिर्फ 1 रहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर तैयार की गई रिपोर्ट फेयर वर्क इंडिया 2023, बिग बास्केट, ब्लू मार्ट और स्विगी समेत 12 स्टार्टअप के विश्लेषण पर आधारित है। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी सिम्फनी के वित्तीय वर्ष 2023 और 24 की दूसरी तिमाही अवधि के परिणाम में सितंबर 2023 तक आय संयुक्त रूप से 275 करोड़ थी, जो सितंबर 2022 में 274 करोड़ थी, मतलब वार्षिक वृद्धि दर 0.4% प्लस है। ग्रॉस मार्जिन क्रमश 46.1 और 44.8%, मतलब 130 प्लस BPS है। EBITDA मार्जिन बाकी आय और विदेशी मुद्रा का नुकसान बात करते हुए क्रमश 15.5 और 13.4% है, जो 210 प्लस BPS है। कर के बाद का मुनाफा सितंबर 2023 तक 35 करोड़ है, जो गत वर्ष इसी अवधि में 32 करोड़ था, मतलब कि 10% प्लस की वृद्धि है। 26 अक्टूबर 2023 के रोज सिम्फनी लिमिटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अनुसार सब्सिडी का संयुक्त परफॉर्मेंस देखे तो ऑस्ट्रेलिया में हैंडमेड्स की मांग पर बहुत खराब असर हुआ था। तब मैक्सिको में एम्पको में अन्य दूसरी तिमाही की आय से अधिकतम थी, जिसके चेन में वर्ष के दौरान परफॉर्मेंस स्टेडी रहा था। अदानी पावर ने जुलाई सितंबर तिमाही में 6,594 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड मुनाफा कमाया है। यह एक साल पहले कंपनी को हुए 696 करोड़ रुपए के मुनाफे से 848% यानी 9.48 गुना ज्यादा है। कंपनी की ओर से गुरुवार को जारी एक बयान के मुताबिक वित्तीय तिमाही टैक्स पूर्व आय एबिटा में सुधार, एक बार की प्राप्त आय और टैक्स मोर्चे पर राहत से मुनाफे में तेज बढ़ोतरी हुई है। जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी की आय भी 84.4% बढ़कर 12,990 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गई। पिछले साल समान तिमाही में कंपनी की आय 7,043.77 करोड़ रुपए रही थी। कंपनी की आय में भारी बढ़ोतरी की वजह से बिजली की बिक्री बढ़ना है। कंपनी की स्थापित थर्मल पावर कैपेसिटी 15,210 मेगावाट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उबाल जारी रहने के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की दाम आज यथावत रहे, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर पर पड़े रहे। प्रमुख कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर जारी दरों के अनुसार देश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर्स लिमिटेड के कोटक आइकॉनिक फंड ने 1,000 करोड़ रुपए जुटाने में सफलता हासिल की है। इक्विटी मल्टी एडवाइजर पोर्टफोलियो समाधान के रूप में असीमित अवधि वाले इस फंड की पेशकश की गई है। इस फंड ने बाजार पूंजीकरण और सुनियोजित तरीके से आवंटन में निवेश की विविधतापूर्ण रणनीतियों को अपनाकर लचीले दृष्टिकोण को बरकरार रखा है। कोटक अल्टरनेट के CEO निवेश रणनीति लक्ष्मी अय्यर ने कहा कि मौजूदा अस्थिरता के दौर में निवेशकों के लिए इक्विटी पोर्टफोलियो तैयार करना और इसे बनाए रखना बेहद कठिन हो गया है। कोटक आइकॉनिक फंड अपने अनुशासित संरचना आधारित निवेश एवं जोखिम प्रबंधन के जरिए इस समस्या के समाधान की पेशकश करता है, ताकि निवेशक अपने निवेश के सफर पर सहज तरीके से आगे बढ़ सके। खबर समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नज़र आज की सुर्खियों पर। अदानी पावर का तिमाही मुनाफा 9 गुना बढ़ा, मुनाफा बढ़कर 6,594 करोड़। उबर ओला पोर्टल में सबसे कमजोर वर्किंग कंडीशन, कामकाज में करती है फेयर वर्क स्टैंडर्ड का सबसे कम पालन। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए इन बिजनेस न्यूज़। नमस्कार।